नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ स्टैटिक जीके का मैं थर्ड टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ठीक है, स्टैटिक जीके का थर्ड टॉपिक जो है आपका कैपिटल एंड करेंसी। किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इवन बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी का पेपर कर रहे हो तैयारी, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आपका स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेएसएससी का पेपर हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे यूपीएसएससी हो, ठीक है, स्टैटिक जीके, कम से कम स्टैटिक जीके के अंदर कम से कम मैं बता दूँ तो 10 से 15 टॉपिक आपके उसके अंदर आते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 टॉपिक तो आता ही है स्टैटिक जीके में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन, आपको कम से कम 7 से 8 टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका हिस्ट्री वीक है, पॉलिटी वीक है, इकोनॉमिक्स वीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को कवर करो और यहाँ से फिक्स है कि आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको चीज़ें बता दूँ स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या आता है। इन्वेंशन आता है, इंपॉर्टेंट टेम्पल कितने सारे हैं इंडिया में इससे पूछे जाते हैं, ये दोनों मैंने कवर कर दिया है। इन्वेंशन का एक पार्ट बचा हुआ है, 1 से 2 पार्ट और बनाऊंगा क्योंकि और भी कुछ चीज़ें वहाँ छूटी हुई है तो उसको मैं कराऊंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो उसको जाके देखो। इसके बाद कैपिटल एंड करेंसी से क्वेश्चन बन जाता है आपका। उसके बाद आपका अवार्ड से क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके में। अवार्ड जैसे क्या, जैसे भारत रत्न अवार्ड, अब ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, सबसे पहले किनको दिया गया था और अभी प्रेजेंट में किनको दिया गया है, 2016, 2017 या 2015 में, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अवार्ड से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि जितना भी आपका पार्क है, ठीक है, कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है ये पार्क, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट जो आपका बन जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, कितने सारे इंपॉर्टेंट डेज है, कौन से डेज में क्या मनाया जाता है इंडिया में या विश्व में, जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है फॉक डांस से रिलेटेड, ठीक है, फॉक डांस जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि असम की डांस मतलब नृत्य जो है कौन सी, यहाँ पर नृत्य की जाती है जो है फेमस, ठीक है। नेक्स्ट आपका बन जाता है, इसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट और आपका है ये, बात कर लेते हैं कि विश्व में प्रथम कौन है, ठीक है, विश्व में प्रथम और इंडिया में प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये आपका कम से कम 7-8 मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया है, ये सारा चीज़ जो है आपको पढ़ के जाना होगा एग्ज़ाम, चाहे किसी के भी एग्ज़ाम के, चाहे जेएसएससी का भी आप पेपर देने वाले हो या एसएससी सीएचएसएल का देने वाले हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और याद आ गया, जैसे कि साइंस में पूछ लिया जाता है साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, वैज्ञानिक नेम क्या है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। जनजाति पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति अधिकतर पाई जाती है, तो इस तरह से ये स्टैटिक जीके इतने एटलीस्ट आपको पते होने चाहिए, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपका जैसा हो गया, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, ये सारे, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि स्टैटिक जीके में क्या क्या आपको पढ़ना है, और ये सारे चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एक एक करके, ठीक है, एग्ज़ाम तक। तो कैपिटल करेंसी को अब हम लोग कवर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आज पार्ट वन में मैं 35 कवर कर दूंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं 35 और कवर करूंगा, तो टोटल कैपिटल एंड करेंसी आपकी कवर हो जाएगी। इसराइल जो हो गया, जेरूसलेम हो गया कैपिटल इसकी, और इसकी जो करेंसी है इसराइली न्यू सेकल है, ठीक। नेक्स्ट तुर्की की बात कर ले तो इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा और इसकी जो करेंसी जो है तुर्किश लीरा है, ठीक है। नेक्स्ट मलेशिया की बात कर ले, मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्वालालंपुर और इसकी जो करेंसी है मलेशियन रिंगिट, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ आपको गलत लग सकता है क्योंकि वर्ड जो ऐसे ऐसे हैं कि थोड़ा सा प्रोनाउंस करना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुवैत, कुवैत की जो कैपिटल है कुवैत सिटी और इसकी जो करेंसी जो है वो है दिनार। नेक्स्ट घाना की बात कर ले तो घाना की जो कैपिटल वो एकारा है और इसकी जो करेंसी जो है वो है घाना सेड़ी, ठीक। तो आपको ये सारे रटने पड़ेंगे किसी तरह। एनी हाउ इटली की जो कैपिटल है वो है रोम और ये जो करेंसी है जो यूरो, ये स्टैटिक जीके आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट, जब आप एक बार रट जाओगे एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीके की सेक्शन में। लीबिया, लीबिया की जो कैपिटल है वो त्रिपोली और इसकी जो करेंसी है वो है दिनार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्वीडन की, स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम और इसकी जो करेंसी है वो स्वेडिश क्रोना है। नेक्स्ट ले लेते हैं उरुग्वे, उरुग्वे की जो कैपिटल है वो है मोंटेविडियो और ये जो इसकी करेंसी जो है उरुग्वे पेशो। देखो किसी तरह से आप ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हो, मैंने ट्रिक बना कर रखा है सारा का, लेकिन मैं शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो को, फिर बहुत बड़ी बन जाएगी। तो सिंपल देखो, इसको याद किया था मैंने, उरुग्वे में आता है गाय, गाय कोई भी लड़का अगर वो वीडियो देखता है तो उसे क्या करता है, पैसों मिलता है, पैसा मिलता है, बस इसी तरह से आप ट्रिक बना के पढ़ लो।
ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल वो है कैनबेरा, और इसकी जो करेंसी जो है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक। ईरान, ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, और इसकी जो करेंसी जो है रियाल। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना, और इसकी जो करेंसी जो है यूरो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केन्या, केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, और इसकी जो करेंसी है केनियन सीलिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल वो है ताशकंद, और इसकी जो करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, और इसकी जो करेंसी है वो अफगानी। कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा, और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की बात कर ले तो वो है जो कैपिटल है उसका व्यूनोस एरिस, और इसकी जो करेंसी है वो है पैसो। ठीक। गाम्बिया की बात कर ले, नेक्स्ट कैपिटल गाम्बिया, गैम्बिया जो है इसकी कैपिटल बंजुल, और इसकी जो करेंसी जो है दलासी। ठीक है, दलासी। फ्रांस कैपिटल जो हो गया पेरिस, और इसकी जो करेंसी जो है वो है यूरो और CFP, ये दोनों है। ठीक। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है आपका अस्थाना, और इसकी जो करेंसी है वो है तेंगे। UAE की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और इसकी जो करेंसी है UAE दिरहाम। ठीक है। किर्गिस्तान जो कैपिटल, इसकी करेंसी जो है बिश्केक, और इसकी जो करें सॉरी जो किर्गिस्तान की जो कैपिटल वो है बिश्केक, और इसकी जो करेंसी है वो है सोम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है आपका लिस्बन, और इसकी जो करेंसी जो है वो है यूरो। नेक्स्ट डेनमार्क की बात कर ले वो है कॉपेनहेगन, और इसकी जो करेंसी है वो है क्रॉन। 25 नाइजीरिया, नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा, और इसकी जो करेंसी है वो है नायरा। नेक्स्ट रियाद, रियाद की जो कैपिटल है वो है सऊदी अरबिया, और इसकी जो करेंसी जो है वो है रियाल। नेक्स्ट लेते हैं 27 आयरलैंड, आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डबलिन, और इसकी जो करेंसी वो है यूरो। ठीक है। नेक्स्ट 28 ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो है लंदन, और इसकी जो करेंसी है वो है पाउंड। नेक्स्ट कतार, 29 कतार की जो कैपिटल है, ठीक है, वो है दोहा, और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। ठीक। नेक्स्ट 30 लेते हैं रसिया को, रसिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और इसकी जो करेंसी है वो है रशियन लूबल। नेक्स्ट 31 को लेते हैं अल्जीरिया कैपिटल, अल्जीरिया कैपिटल की, अल्जीरिया की जो कैपिटल वो अल्जीरस है, और इसकी जो करेंसी है वो है दिनार। नेक्स्ट 32 साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियल, और इसकी जो करेंसी है वो है वॉन। ठीक है, याद रखना वॉन, साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया वॉन। नेक्स्ट चिली, चिली की जो कैपिटल है चिली की वो है सेंटीगो, और इसकी जो करेंसी है वो है पैसो। और नेपाल, नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और इसकी जो करेंसी है वो है नेपाल रुपी। और लास्ट जो हो गया 35 वो हो गया आपका इंडोनेशिया। ठीक है, 35 आज पार्ट वन तक मैं आपका कवर कर रहा हूँ, पार्ट टू मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। वो इंडोनेशिया की जो कैपिटल वो है जकार्ता, और इसकी जो करेंसी है वो है रुपया। तो इतना आप जल्दी से कर लो, और पार्ट टू में जैसे ही इसका कवर कर लूँगा, इसका पूरा पीडीएफ एक ही पीडीएफ में मैं आपको फेसबुक पेज में शेयर कर दूँगा। तो फेसबुक पेज का लिंक भी मैं आपको दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट, पहला कमेंट पिन करके रखा हूँ, तो वो सारा इन्वेंशन भी और इंपॉर्टेंट टेम्पल का भी लिंक मैंने दे दिया। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ आप कंप्लीट करो जीके के सेक्शन में, ठीक है, जितना भी पढ़ा अपनी, अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते चलो यार। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, और आपका शॉर्टकट की का भी वीडियो बन रहा है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।